चलिए नमस्कार, आपको YouTube चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ITF इन्वर्सिटी ऑफ मेडिकल फंक्शन, जो कि आपको 12th क्लास में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। ITF इन्वर्सिटी ऑफ मेडिकल फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, तो ITF इन्वर्सिटी ऑफ मेडिकल फंक्शन, तो इन्वर्सिटी ऑफ मेडिकल फंक्शन का इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई होता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है आपका साइन इनवर्स क्या होता है, x रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं हम लोग साइन इनवर्स x को हम लोग a लेट कर लेते हैं, और साइन इनवर्स y को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं। तो आपको यहां से यदि x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, और आपका y इक्वल टू साइन b हो जाएगा। सपोज मान के चलिए कि इसको a लेट कर रहे हैं, इसको b लेट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि a प्लस बी। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इतना होता है फॉर्मूला आपका, होता है ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग कोस ए और कोस ए कोस बी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइन ए तो यहाँ से एक्स हो गया, साइन बी वाई हो गया, लेकिन कोस बी कोस ए नहीं ना पता है, तो कोस ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इक्वल टू होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां से हम लोग को पता है साइन ए पता है हम लोग को क्या होता है, रूट अंडर साइन ए पता हम लोग को क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा। अब देखिए कोस बी का वैल्यू निकालना है, कोस बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी। अब देखिए साइन बी यहाँ वाई है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस बी जो है आपका रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग साइन इनवर्स को ऐसे लिख दिए, साइन ए हम लोग को पता हो गया, साइन ए पता है यानी कि एक्स है, और कोस बी जो है ऐसे रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर है, और प्लस का प्लस लिख दिए, कोस ए क्या है, कोस ए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस ए को नहीं लिखकर हम लोग साइन बी को लिख सकते हैं, साइन बी को क्योंकि इजीली लिख सकते हैं वन संख्या में, और जो है आपका कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कैसे होता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को ए लेट किए, साइन इनवर्स वाई को बी लेट किए, साइन इनवर्स यानी कि यहाँ से एक्स इक्वल टू साइन ए हो गया, वाई इक्वल टू साइन बी हो गया। कोस ए कोस बी का इसलिए वैल्यू निकालिए क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में होता है साइन इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यानी कि कोस बी और कोस ए का वैल्यू पता होगा तो यहाँ लिखेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है,
यानी कि हम लोग ए प्लस बी को मान ली, ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। तो चलिए आपका कंप्लीट हो गया, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।